परासिया में सरपंच संघ की बैठक की गई। बैठक में सरपंच संघ ने नई रणनीति बनाने पर चर्चा की। ग्राम पंचायत में रेत को लेकर बहुत किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रधानमंत्री आवास समेत ग्राम पंचायतों में कोई निर्माण नहीं हो पा रहे। उन्होंने अपनी समस्या शासन व प्रशासन के सामने रखने की बात कही है। परासिया में सरपंच संघ अध्यक्ष राजू पवार के नेतृत्व में सरपंच संघ की बैठक हुई, जिसमें सरपंच संघ ने नई रणनीति बनाई और शासन व प्रशासन से मांग रखी कि ग्राम पंचायत में रेत को लेकर बहुत किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रधानमंत्री आवास समेत ग्राम पंचायतों में कोई निर्माण नहीं हो पा रहे। जनपद के इंजीनियर भी सरपंच को कुछ निर्माण की बातें नहीं बता रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर सरपंच संघ ने रणनीति बनाई है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया है कि सरपंचों को गांव के विकास के लिए साथ लेकर चलें, अन्यथा आगामी समय में सरपंच संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्राम पंचायत पाठा के अंतर्गत मेरे निजी निवास पे सरपंच संघ जनपद पंचायत परासिया की मीटिंग रखी गई। मीटिंग में सभी सरपंच उपस्थित रहे। मेरी माता बहनों और मेरे भाई और बुजुर्ग साथी सरपंच पूरे उपस्थित थे। उनके बीच में जो मुद्दा रखा गया सरपंच संघ का, उसमें मेन मुद्दा रेत को लेते हुए, रेत में ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा सभी सरपंचों को। वो ये रहा है कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, कहीं से भी रेत नहीं निकालने दिया जा रहा है। उस मुद्दा को लेके सभी सरपंचों ने बात रखी गई एजेंडा में, और सरपंचों का कहना यह है कि अगर हमको रेत नहीं मिलेंगी तो हम समय पर निर्माण कार्य कैसे करेंगे। दूसरा मुद्दा ये रहा हमारा मनरेगा के चलते में एक एक महीने दो दो महीने लेबरों के खाते में पेमेंट नहीं डल पा रही है, जिससे गरीब मजदूरों को बहुत ज़्यादा सामना दिक्कत हो रही है, जिनकी रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि सभी सरपंचों का प्रशासन और शासन और सरकार सहयोग करें, जिसमें प्रधानमंत्री आवास मकान बनने में दिक्कत ना हो, रेत के लिए हमको सुविधा दी जाए सभी सरपंचों को। इस मुद्दे में विशेष तौर पे मीटिंग रखी गई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।